गाइस वेलकम वेलकम वेलकम, दिस इज रंजन कपूर फॉर इल्यूमिनाटी वेंचर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसमें रियल एस्टेट, वो भी स्पेसिफिकली डीएलएफ 1, 2, 4 एंड सुशांत लोक 1, जस्ट दीज फोर एरियाज, टॉप क्रीम ऑफ गुड़गांव जो हम आपके लिए लेके आते हैं, और वो भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज नहीं, एक्सक्लूसिव टॉप नॉच डील्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम आज शूट कर रहे हैं इस बिल्डर की, इतनी बड़ी रसूख वाला बिल्डर जिसे कहते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीट्यूड ऑफ डिलीवरेंस, इतनी प्रॉपर्टीज डिलीवर करने के बाद ये आप समझ लो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इस प्रॉपर्टी पे नज़र आता है। एंड आई थिंक वी आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ब्रोकर्स पहली बार जो इस बिल्डर की प्रॉपर्टी शूट करने को मिल रही है, अदरवाइज मिलती ही नहीं है, ठीक है। ऐसी छुपी हुई हिडन जेम प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, 400 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी, 400 स्क्वायर यार्ड्स, डीएलएफ फेज 4, 4 बेडरूम, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, सुपरबली वेल एग्जीक्यूटेड, बहुत ही बड़ी, एक फील ऐसी जैसे कि 450 गज की प्रॉपर्टी हो लेकिन है 400 गज की, आकाशनी मार्ग से बिल्कुल पास, एंड 4 में से 3 फ्लोर्स अवेलेबल इंक्लूडिंग टॉप प्लस टेरेस, इंक्लूडिंग, यस यू हर्ड दैट राइट, टॉप प्लस टेरेस अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है, एक मिडिल फ्लोर अवेलेबल है, सबकी अपनी पार्किंग की लेन्स हैं और प्रॉपर्टी धांसू है। क्विकली टूर को शुरू करते हैं, अपनी बड़े वाले टीवी पर लगा लो एक्सक्लूसिवली, रेडी हो जाओ इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, लेट्स गो। तो गाइस जूते उतार के आ चुके हैं आपको वेलकम करने के लिए इस नायाब हिडन जेम प्रॉपर्टी पे। इस दरवाजे को देखो जो आपको वेलकम करता है, ब्यूटीफुल दरवाज़ा है, पूरा डेको पीयू में फिनिश्ड, मतलब धांसू जिसे कहते हैं धांसू। और ये इसका एंट्री लाउंज है, जस्ट लुक एट हाउ योर विजिटर्स विल फील व्हेन दे कम, हाउ वेलकम दे विल फील, ऑल स्टोन स्टफ, ऑल टेक्सचर्ड पेंट्स, ऑल ग्रेनाइट ऑन द स्टेयरकेस, धांसू जिसे कहते हैं भयंकर। ये एंट्रेंस पे ही फिंगरप्रिंट एक्सेस कार्ड वाला लॉक पूरा लगा हुआ है, धांसू चीज़ है। यहाँ से क्विकली चलेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी का 360 लो। ये प्रॉपर्टी बढ़िया साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है जिसमें पूरी तरह से वास्तु को कंप्लाई किया गया है, जो साउथ फेसिंग का वास्तु होता है पूरा फॉलो किया गया है। यहाँ पे आपका नॉर्थ साइड पे बेसिकली आपका मंदिर रूम भी है, एंड ओपन एरिया बहुत सारा रखा हुआ प्रॉपर्टी में, इतनी वॉकिंग स्पेस, इतना ओपन स्पेस घर में एक 500 गज की फीलिंग देने के लिए। दिस राइट हियर इज़ द ड्राइंग रूम, दिस इज हाउ द ड्राइंग रूम इज मेड। इसमें सारे जो ACs हैं, हीटिंग कूलिंग ऑल वेदर लगे हुए हैं, आप अपने घर का टेम्परेचर जो चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। 12 के 12 महीने सर्दियों में घर हीटेड रहेगा और आपको वेलकमिंग एक एटमोसफेयर देगा। ये सारे कैसेट ACs हैं एंड स्प्लिट्स लगे हुए हैं एंड VRB डक्टेबल, सब कुछ मतलब टॉप नॉट्स लगा हुआ है। एक एक दीवार आप ध्यान से देखो, एक भी दीवार ऐसी नहीं है जिस पे काम ना हुआ हो, पैसा ना लगा हो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एग्जीक्यूशन, एक फील, एक पूरा बुके बना के आपको देने की कोशिश की गई है। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया था जहाँ पे हम थे, यहाँ पे एक बिल्कुल मैगजीन जैसा किचन, एग्जीक्यूटेड डिलीवर्ड। इसमें सारे फेबर के टॉप नॉच अप्लायंसेस लगे हुए हैं, सबसे बड़ी कुकिंग रेंज लगी हुई है, सबसे बड़ा चिमनी लगा हुआ है, साथ में एक बहुत बढ़िया ग्लास की, माइंड यू, स्टैंडिंग पैंट्री है जिसमें इतनी स्पेस है, ऑनेस्टली आपके घर में अचार के मर्तबान ख़त्म हो जाएंगे बट ये स्पेस ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे इसका वॉशिंग एरिया, इस किचन को चाहें तो आप कॉर्डन ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर चौखट के स्टाइल का एंट्री दिया हुआ है जिससे कि आप इसको बंद कर पाएँ। प्रॉपर्टी में 4 बेडरूम्स हैं, बेडरूम्स के दरवाजे कुछ इस प्रकार हैं, मेरे मालिक देखो ज़रा, दिस इज़ जस्ट सो नाइस, एंड जस्ट लुक एट दिस। मैं हमेशा की तरह आपको पीछे होकर ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि क्या साइज़ है रूम के। इन दो प्लग्स के बीच में बेसिकली बेड लगाने की जगह है, यहाँ पे बड़ा सुंदर एक बुक शेल्फ और ब्यूटीफुल चीज़ें रखने की जगह, सारा पैनल है, सारी बालकनी के साथ कनेक्टेड है, हर बालकनी पे मेश के डोर्स हैं, और ये टीवी वॉल देखो, जस्ट हैव अ लुक, सारा टेक्सचर में फिनिश्ड है। यहाँ पे आपका टीवी आएगा, बड़ा सा टीवी लगाओ, और इस रूम में बैठने की इतनी बढ़िया जगह है, ये सारी जगह बैठने के लिए ही है, इसमें आप पूरा अपना सोफे सोफे लगाओ, बहुत बढ़िया जगह है। ऑलमोस्ट 20-25 फुट चौड़ा ये बेडरूम है और करीब 13-14 फुट विड्थ भी है इसकी, लेकिन इसका बाथरूम, माई गॉड, जस्ट कम, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द वॉशरूम। इसके ड्राई एरिया में बहुत ही टॉप नॉच डबल लॉफ्टेड कबर्ड लगी हुई है, डबल लॉफ्टेड, गाइस माइंड यू दिस इज सम लेवल ऑफ वुड वर्किंग।
इतनी बढ़िया टिंटेड ग्लास में एक बारी लाइट बंद, अलमारी गायब, समझ रहे हो? और ये देखो, जस्ट हैव अ लुक, मतलब इजंट दिस सम एग्जेम्पलरी लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन? आप देख रहे हो, दिस इज द शावर एरिया, नीशेस अंदर से लिट है, इतनी सुंदर ऊपर रेन शावर लगा हुआ है, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं लुक एंड फील अमेजिंग लेवल की डिलीवर्ड है, इतनी बढ़िया एक्सक्लूसिव जी, आपको फील होगा, आप आओगे ना आप फील करोगे इन दरवाज़ों के हेफ्ट को, ये ना हैवी डोर्स बाय द वे, और एक पुल पे दरवाजे पूरे बंद होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके का मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है, और माय गॉड दिस हेफ्ट, भारी दरवाजे, ठीक है। जब हम एंटर किए थे घर पे यहाँ से एंटर किए थे, एंटर करते ही सबसे पहले ये एक बड़ी अच्छी डिज़ाइनर वॉल हाइलाइटेड फीचर है प्रॉपर्टी का, जो घुसते ही नज़र आता है, बहुत सुंदर तरीके से ऊपर ट्रैक लाइट से इसको हाईलाइट किया है, लाइटिंग कम से कम 40 कॉम्बिनेशन में जलती है, हर लाइट का अपना स्विच है, आप घर को जैसे मर्जी एक्टिवेट कर सकते हो। ये इसका फैमिली लाउंज एरिया है, यहाँ पे ऊपर एसी लगा हुआ है, चाहो तो सामने आप एक बढ़िया सा सोफ़ा, रिक्लाइनर कुछ भी लगाओ, यहाँ पे टीवी लगाओ, यहाँ पे एक शाफ्ट है जो किचन के साथ किचन को कॉर्डन ऑफ कर, किचन को कैटर करती है, और इस शाफ्ट में भी जाल लगा हुआ है, सबसे अच्छी बात इसमें जाल लगा हुआ है, इस जाल को आप यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ अगर आपका सामान है थोड़ा बहुत वो आप यहाँ पे रख सकते हो, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट थिंग। इसके बाद आता है इसका पाउडर रूम, गाइस घर पे गेस्ट तो आएंगे ही आएंगे और इस पाउडर रूम में जाएंगे, कैन यू सी, मतलब सीरियसली कैन यू सी, कैन यू फील इट, क्या चीज़ है, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग, मतलब कोबाल्ट ब्लू लेवल के इसमें उसका लगे टाइल्स लगे हुए, बहुत ही सुंदर काम है, ब्लैक एंड डार्क ब्लू बैकलिट मिरर, बहुत बड़ा सा वॉश बेसिन यूनिट, मतलब लुक एंड फील के पूरे मार्क्स हैं। इसके बाद चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक मिडिल बेडरूम, द ओनली बेडरूम विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ बैल्कनी, बट स्टिल लुक एट द साइज, दिस इज़ द साइज, बिटवीन दीज स्विचेस आपका बेड आता है, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कबर्ड्स लॉफ्ट के साथ रेडी हैं आपको वेलकम करने के लिए, और साथ में है माय गॉड जस्ट लुक एट दिस गॉर्जियस बाथरूम, पूरा फुल ग्लॉस वर्साचे लेवल का सामान, एंड जस्ट लुक एट दिस रेन शावर लगा हुआ, इतना बढ़िया, एवरीथिंग फिनिश्ड इन कोलर एंड ग्रोहे, एंड यू नो ऑल टॉप ब्रांड्स, कोई मतलब झंडू काम का पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे एक इसमें शाफ्ट है और शाफ्ट में भी जाल लगा हुआ है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, अगर आप टॉप प्लस टेरेस लेते हो तो उसमें फुल फ्लेज्ड लाइट भी आती है, बहुत ज़्यादा लाइट आती है, बढ़िया चीज़ है। ये एक बेडरूम मिडिल का है, एंड देन देर आर द रिमेनिंग टू बेडरूम्स विच आर बेसिकली कनेक्टेड टू द बैल्कनी, दिस इज़ वन बेडरूम। इनके बाथरूम्स गाइस, बाथरूम्स, बेडरूम तो ये है ठीक है, यहाँ पे आपका बेड आता है, आप चाहो तो, या चाहो तो यहाँ पे आप अपना बेड लगा सकते हो, सामने अपना टीवी आप माउंट कर सकते हो। दीवारों की फिनिश, प्लीज़ आप इस वीडियो को देख रहे हो, इन दीवारों को देखो, मतलब क्या चीज़ है, एंड कम हियर वॉशरूम, माय गॉड, पूरा पत्थर का फर्श और मैचिंग टाइल्स की दीवारें, दीवारों पे फुल हाई ग्लॉस है, इसको आप वाइप एंड क्लीन मामला है सारा, सारी मतलब शावर यूनिट तो कम से, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द शावर यूनिट हियर, दिस इज जस्ट वन कंट्रोलर, एक मतलब लेफ्ट राइट सेंटर, बहुत बढ़िया यहाँ पे नीशेस बनी हुई है, नीशेस के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट अभी फिलहाल ऑफ है लेकिन लगी हुई हैं, पॉट के ऊपर लगी हुई हैं, सारा कुछ ए टू जेड, बढ़िया मामला। अगेन डबल लॉफ्ट वाली कबर्ड्स, और वो भी दो कबर्ड्स हिज एंड हर्स वाली, और सारी वॉश बेसिन के नीचे की वैनिटीज बनी हुई हैं, क्या लॉक्स हैं, क्या दरवाजे हैं, और मतलब फॉल्स सीलिंग, एक बार ही देखो ये, जस्ट लुक एट दिस, ऑल इन्वर्टर एसीज इन द हाउस, हीटिंग एंड कूलिंग, फॉल्स सीलिंग का आप लेवल देखो ज़रा, दिस इज समथिंग जो माहौल जैसे कह रहे हैं ना, जो बना के डिलीवर कर रहा है बिल्डर, एग्जेम्पलरी, जस्ट अमेजिंग स्टफ। This is the fourth and the final bedroom. Amazing bed wall, beautiful, I must say. यहाँ पे आपका बेड की जगह, और उस स्विच के बाद आपकी सारी स्पेस सेटिंग की है, सारा बढ़िया से यहाँ पे सोफा सोफा लगाओ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका फाइनल बाथरूम, जस्ट हैव अ लुक,
दिस इज द लेवल ऑफ स्टफ गेटिंग डिलीवर्ड टू यू. आप यहाँ पे आओ, इस घर को देखो, इसकी फील को देखो, समझो चीज़ को. आपको मज़ा ना आ जाए तो बताना. ये चीज़ आपको अभी तक किसी ने YouTube पे शूट नहीं करी है. आई थिंक आई एम द फर्स्ट गाय, बट द प्रॉपर्टी डिजर्व्स इट. इस प्रॉपर्टी में जो खास चीज़ें और हैं दिखाने के लिए, वो है एक स्ट्रिक्ट पे इसका रूम मिलता है, बहुत ही बढ़िया रूम है, वो दिखाऊंगा. ये ACs आप देख लो, सारे हीटिंग कूलिंग कैसेट के यूनिट्स लगे हुए हैं. और ऊपर की टेरेस क्विकली चलेंगे, स्ट्रिक्ट का रूम देखेंगे, उसके बाद क्विकली चलेंगे, टेरेस का दर्शन करा दूंगा. अभी चार में से सिर्फ एक फ्लोर आउट है, टॉप बॉटम और एक मिडिल बचा हुआ है. आ जाओ ले लो. अगर आपका बजट 6.5 से 7.5 के आसपास का है, ये प्रॉपर्टी आपकी मतलब की है. तीनों फ्लोर्स की आस्किंग इसी के बीच में आप क्लोज कर सकते हो इस चीज़ को. लेट्स गो. ओके, सो विद द मैजिक ऑफ एडिटिंग हम आ गए हैं ऊपर इसकी टेरेस वाले एरिया में. गाइस, देखने वाली चीज़ है ये. आप जो स्कीम है देख रहे हो, ये वाला जो स्कीम है, इस पर आना है बढ़िया सा घास वास. आप देखो ये जहाँ जहाँ पे आपको ये वाली टाइल दिख रही है, इसको कवर करेगी घास, अगर आप चाहोगे तो, नहीं तो ऐसे भी रखी जा सकती है. यहाँ पे बना हुआ है इसका बढ़िया सा, बिल्कुल बढ़िया गजीबो. इस पे आप रखो अपना गार्डन फर्नीचर, मतलब के इनका गार्डन का प्लास्टिक का, ऊपर चाहो तो कवर करो, वैसे प्लीज़ मेरी मानो तो ना कवर करना, बहुत बढ़िया फील आती है इसकी. यहाँ पे है इसके साथ टैप्स दिए हुए, और यहाँ पे है इसका बढ़िया सा बार. और बार मतलब भाई साहब ऐसे हल्का पुल्का नहीं है. यहाँ पे आपको एक सिंक काट के देंगे, तो नल का यहाँ पे लगा हुआ है. बार का सारा आइटम यहाँ पे रखना, यहाँ पे सजाना बोतलें ग्लासेस, और बारटेंडर आपका रेडी है आइटम सर्व करने के लिए. यहाँ पे एक प्लग पॉइंट भी है, यहाँ पे चाहो तो माइक्रोवेव वोल्टेज रख के कुछ हीटिंग कूलिंग भी कर सकते हो. और क्या पार्टी एग्जीक्यूट होगी बस. यहाँ पे है आपका वाटर फीचर, इसमें फव्वारे लगाओ, चिस 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 चलेंगे और मज़ा आएगा. और सामने जो है एक एडिशनल एरिया है, वो ओपन ही रहना है, बट आप आसपास देखो ज़रा, कहाँ पे हो आप, समझ रहे हो, अमेजिंग जगह. इधर देखो सामने, जस्ट लुक एट दिस, आउट ऑफ द वर्ल्ड. इतनी बढ़िया चीज़ यहाँ पे आएगा आपका वाटर फीचर राइट हियर. इधर आप लगाओ बुद्धा, कहोगे तो हम बिल्डर से भी लगवा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. पीछे चलेगा पानी बहुत बढ़िया तरीके से, वीपिंग वॉल, बुद्धा जी बैठे हुए, एटमोसफियर 10/10. साथ में टेरेस में जो हमेशा मिलना ज़रूरी है, मैंडेटरी है एक तरीके से, वो है वॉशरूम एंड टॉयलेट एंड पैंट्री. दिस राइट हियर इज़ द पैंट्री. पैंट्री में अपना माइक्रोवेव ओटीजी रखिए, खाना रीहीट कीजिए, एक वॉशरूम है, पार्टी कीजिए. ऑफकोर्स अभी तो कांच से थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है, बट प्राइवेसी रीजन से इसको कवर करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अपना जो गुप्त काम है वो गुप्त तरीके से कीजिए, ठीक है. अब चलेंगे लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो अपर ग्राउंड के साथ स्टिल्ट का रूम है, उस स्टिल्ट के रूम को एक क्विक फीचर करके दिखा देंगे, आपको समझ आ जाएगा, चीज़ मज़ेदार है. लेट्स गो. ओके गाइस, अभी हम स्टिल्ट पे खड़े हैं. स्टिल्ट का एक बारी कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 4 गेट्स 1, 2, 3 एंड 4, 4 ड्राइव वेज, किसी को किसी से कोई सरदर्दी और परेशानी की जरूरत नहीं. और लाइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ लुक एट द रूफ्स एंड लाइटिंग, नेक्स्ट लेवल लाइटिंग है स्टिल्ट पे. और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक छोटा सा एरिया, बिना पार्किंग को कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए, मतलब इतना बड़ा, कम से कम नहीं तो 30 फुट के आसपास का एरिया, 25-30 फुट आराम से. दिस बिग एरिया यू गेट, इसको आप अपना ऑफिस बनाएं और यहाँ पे बैठें, या यहाँ पे पूल टेबल लगाएं, टेबल टेनिस लगाएं, मर्जी आपकी. और ओपन में यहाँ पे एक बारबेक्यू लगाएं, बढ़िया से पूरा माहौल आपको डिलीवर्ड है. इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए या विजिट करने के लिए, या आपका कोई भी बजट हो, कोई भी बजट, इस आप मतलब चीज़ को देखो, वॉशरूम पैंट्री सब कुछ किया डन. आपको कुछ नहीं करना है, बस आना है अपना सूटकेस लेके, रहना शुरू करना है. और ये जो दरवाज़ा देख रहे हो, दरवाज़ा सेल्फ लॉकिंग, ये अपने आप बस बंद करना है, लॉक ही हो जाएगा लॉक, उसके बाद इससे खोलना है ना, बढ़िया. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये दरवाजे जो हैं, इनमें लॉकिंग मैकेनिज्म अंदर हिडन रहता है, बिल्कुल सीधा है, कुछ है ही नहीं, बंद होने पे खुल जाता है, मैग्नेटिक है. बहुत सही चीज़ है, महंगी आती हैं सब आइटम्स. कहने का मतलब ये है, नंबर ऊपर दिया गया है, प्राइस कितना है मत पूछना, क्योंकि एक रफ इंडिकेशन मैं वीडियो के दौरान दे चुका हूँ, ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है. वीडियो अगर ध्यान से नहीं देखी, देख लो. ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं रोज़ के रोज़, बहुत रेयरली ये ऐसी चीज़ें आती हैं जो इस लेवल पे, इन लेवल के बिल्डर्स की चीज़ें अवेलेबल हों और कोई शूट भी कर पाए. ओके, ऑन दैट नोट, आपका कोई भी बजट है, कोई भी बजट,
प्लीज़ कॉल करो। 2 करोड़ के बजट में तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है प्लीज़, तो फिर से कुछ हम समझा नहीं पाएंगे उस पर। 3 से स्टार्टिंग कुछ भी आपका बजट हो प्लीज़, अप टू 100 करोड़ हमारे पास हर चीज़ का आंसर है, प्रॉपर्टी है। आप प्लीज़ बताएं आपको क्या चाहिए, एंड मेरा काम है आपको एक बढ़िया से बढ़िया टॉप नॉच फर्स्ट क्लास डील आके देना। ऑन दैट नोट, दिस इज़ रंजन कपूर। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, एंड डू रिमेंबर दैट दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू कॉल व्हेन यू आर लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन DLF 124 एंड सुशांत लोक 1। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर प्रॉपर्टी एंड अनदर अमेजिंग लोकेशन। चीयर्स।